लंग भल तो पलंग भले तोड़बे जान आ दिल ना कबो तोड़बे जान। जी हाँ, नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आपको दिख रहा है ना, नीचे लाल बटन, उस पर क्लिक मार दो। तो जी हाँ, बवाल वाला गाना सुबह सुबह पलंग तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी आकांक्षा के साथ, हमारे समर भैया। जी हाँ, यानी कि अब सावन खत्म हो चुका और सावन के बाद कल बवाल वाला गाना खेसारी लाल यादव का रिलीज हुआ और अब आज स्टार्ट हो चुका, यानी कि पहला सावन के बाद समर भैया का बवाल वाला गाना पलंग ना तोड़ब ए जान। यानी जी हाँ, सीधा सीधी आकांक्षा के को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल कबो तोड़ब ना, और वो भी किस अंदाज में, पलंग वाले स्तर में, यानी पलंग उनके साथ तोड़ देंगे लेकिन दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। वो पलंग कब टूटता भैया, वो तो सभी को पता है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि पलंग टूटता कब है। वैसे आपको बता दें कि गाना एकदम दमदार है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और आकांक्षा दुबे है ना भाई साहब, एक बार ना कहर लग रही है, एकदम बिंदास लग रही है, लग रही है कि हाँ यार कुछ एकदम, जो कहते ना कि देखते के साथ ही ना पसीने छूट जाते ना, ऊपर से लेके नीचे तक जो पसीना है ना छूट जाता, वो एकदम लग रहा है, एकदम भूचाल लग रही है, एकदम बवाल लग रहा है। और समर भैया की तो बात ही निराली है, जब उनका वीडियो आता है, उनका गाना आता है, वैसे भी एक नंबर होता है। तो आपको बता दें कि दिल नहीं तोड़ने की बात जो कर रहे हैं, वो समर भैया वाला जो गाना है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है और इसे लिखा है यादव राज ने। जी हाँ, वो भी आजकल बवाल बवाल गाने लिख रहे हैं और कई कंट्रोवर्सी के लिए भी जाने जा रहे हैं, हालांकि उनका कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन यादव राज लिखे हैं और जो म्यूज़िक दिया है एडीआर ने। जी हाँ, एडीआर ने बहुत ही बवाल वाला म्यूजिक दिया है। तो ऐसे में भाई साहब, और इस गाने को समर भैया के साथ केटी ने गाया, खुशबू तिवारी ने। तो भैया अभी तक गाना नहीं सुना है तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाओ यार, गाना सुनो, क्योंकि बवाल है। और जिन लोगों ने सुन लिया है भैया, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो कि आपको पलंग तो तोड़ देंगे दिल नहीं तोड़ेंगे ये वाला स्टाइल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।